साथियों, काफ़ी दिनों से मेरी इच्छा थी कि ध्रुव सरकारी अस्पताल का मैं वीडियो बनाऊं। आखिरकार मैं सरकारी अस्पताल पहुंच गया हूं। मैं ये आपातकालीन मैंने कैजुअल्टी के पास मैं खड़ा हूं। ये 24 घंटे का कैजुअल्टी है, 24 घंटे आप आ सकते हैं। ये साइकिल स्टैंड है सामने में, साइकिल गाड़ी कार वगैरह पार्किंग की गई है। और मैं अभी अस्पताल के अंदर प्रवेश करने के बाद मैं आप लोगों को सारी जानकारी दूंगा कि इस तरह अभी कैसी व्यवस्था है। काफ़ी साल पहले मैं आया था, अभी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है अस्पताल का। तो मैं अपना ब्लॉग बना के आप लोग को मैं सारा दिखाऊंगा। और अस्पताल में घुसते साथ बाएं तरफ में बस स्टैंड है, मेन रोड के ऊपर में ही अस्पताल है। आपको लोकेशन बता दिया, तो सारा वीडियो बना के मैं आप लोग को शेयर कर रहा हूँ। मेरे वीडियो में बने रहिए, देखिए कैसा लगता है। अभी मैं मेन गेट की तरफ से अंदर एंट्री कर रहा हूँ। ये कैजुअल्टी है, 24 घंटे का इमरजेंसी, किसी भी टाइम आप यहाँ पे अस्पताल में आ सकते हैं। ये मैं कैजुअल्टी के अंदर में आपातकालीन अस्पताल के अंदर में मैं प्रवेश कर रहा हूँ। देखिए काफ़ी अच्छी व्यवस्था, यहाँ डॉक्टर बैठते हैं और यहाँ पे बेड्स वगैरह लगे हुए हैं। कैजुअल्टी में टेम्परेरी ट्रीटमेंट के लिए है, और इसके बाद अगर मतलब यहाँ से ठीक नहीं होता है तो वार्ड में रेफ़र कर दिया जाता है। ये कैजुअल्टी का एरिया है। अब मैं कैजुअल्टी से निकाल के मैं आगे तरफ जा रहा हूँ, ओपीडी की तरफ जा रहा हूँ। ये कार पार्किंग और बाइक पार्किंग जगह है। यहाँ पे टाइम टेबल वगैरह हॉस्पिटल का लिखा हुआ, कब किस समय खुलता है। रास्ते में मेरे को फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट मिला, तो मैं वहाँ से पता किया। यहाँ पे निःशुल्क फिजियोथेरेपी है, सरकारी निःशुल्क, और एक चैरिटेबल भी संस्था चलती है यहाँ पे। ये फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट है ओपीडी के बाहर में। ये मैं अभी ओपीडी में एंट्री कर रहा हूँ, और देखिए काफ़ी भीड़ है। और सामने में ही है रजिस्ट्रेशन रूम है, पंजीयन करने का डिपार्टमेंट। यहाँ पे लोग लाइन लगा के अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जो कि एकदम निःशुल्क है। और यहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन पंजीयन के बाजू में ही मेडिसिन काउंटर है, जहाँ से डॉक्टर के द्वारा लिखे गए मेडिसिनों को मुफ्त में मिलता है। यहाँ काफ़ी लोग लाइन लगा के अपनी दवाई को ले रहे हैं। और इसके बाद मैं दिखा रहा हूँ आपका बोर्ड में जो डॉक्टर लोग के लिस्ट वगैरह लगे हैं, जो जो डिपार्टमेंट यहाँ पे है। बहुत पहले यहाँ पे आई डिपार्टमेंट नहीं था और डेंटिस्ट भी नहीं था डिपार्टमेंट, नेफ्रोलॉजिस्ट किडनी से संबंधित। ये देखिए मैं ओपीडी का एरिया दिखा रहा हूँ, जहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट के डॉक्टर यहाँ बैठते हैं। ये बीच में बैठने का एरिया है, तो बरांडा बना हुआ है और चारों तरफ से डॉक्टर के बैठने के रूम लगे हुए हैं ओपीडी में। तो ये देखिए मैं चारों तरफ से घुमा के दिखा रहा हूँ, बरांडा है चारों तरफ से और डॉक्टर्स के रूम लगे हुए हैं। और इसके बाद में मैं बाहर निकलूँगा ओपीडी एरिया से। ओपीडी एरिया से निकलने के बाद ही ब्लड बैंक मिलता है। ब्लड बैंक से बाजू से एक रास्ता है जहाँ से मैं ऊपर जा रहा हूँ, जिसके ऊपर जाने के बाद में ही राइट साइड में एक दरवाज़ा खुलता है जहाँ लैब वगैरह है। तो मैं लैब का एरिया आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ ब्लड की टेस्ट है, ब्लड यूरिन वगैरह सारा टेस्टिंग यहीं पे होता है। ये काफ़ी एडवांस अभी आजकल इस लैब को बना दिया गया है, तो काफ़ी सुंदर भी दिख रहा है। और लगभग का सब तरह के टेस्ट यहाँ पे आजकल ब्लड टेस्ट हो रहे हैं, तो मेरे को पता चला, तो मैं इसलिए आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो पहले उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं थी, बहुत पहले मैं गया था, आज से कम 10-12 साल पहले। और सारे ब्लड टेस्ट यहाँ पे मुफ्त में ही होते हैं। ओपीडी का समय सुबह 9 बजे से 1 बजे तक है और शाम को 5 बजे से 7 बजे तक है। नवंबर और दिसंबर के महीने में 4 बजे से 6 बजे तक। अभी मैं पैथोलॉजी लैब की एरिया से बाहर निकल रहा हूँ। निकलने के बाद एक रास्ता बरांडे से निकल के वार्ड की तरफ जाता है, दूसरा रास्ता डायलिसिस सेंटर की तरफ जाता है। तो ये मैं वार्ड का एरिया थोड़ा सा दिखा दिया हूँ। दिखाने के बाद मैं आगे निकल रहा हूँ। ये डायलिसिस वाला एरिया है, यहाँ पे डायलिसिस होता है। ये बाएं तरफ सादा आगे निकलने के बाद में बाएं तरफ से डायलिसिस रूम है, जो कि पूरी तरह से मुफ्त है। एस्कॉर्ट संजीवन संस्था के द्वारा संचालित है। ये ध्रुव गवर्नमेंट हॉस्पिटल के साथ इनका टाई अप है, तो यहाँ पे बिल्कुल ही मुफ्त में डायलिसिस किया जाता है। यहाँ पे 4 शिफ्ट में अभी चालू हो गया, पहले 3 शिफ्ट में हो रहा था, अभी 4 शिफ्ट में बिल्कुल मुफ्त में डायलिसिस किया जाता है। इस डायलिसिस रूम के बाद में जिला बाल रोग विशेषज्ञ के कक्ष की तरफ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ पे जो डिजेबल बच्चे हैं उन लोगों का असेसमेंट किया जाता है, किस तरह का डिजेबलबिलिटी है उन लोगों को, यहाँ पे उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है, कुछ ट्रेनिंग दिया जाता है, तथा डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट का भी कुछ प्रक्रिया यहाँ से की जाती है।
यहाँ से आगे बढ़ने के बाद ये आइसोलेशन वार्ड है, 20 बिस्तरों का महिला आइसोलेशन वार्ड। मैं इसको बाहर से दिखा रहा हूँ आप लोग को, और इसके बाद में मैं दूसरा जो नॉर्मल आई वार्ड वगैरह है उसको मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए आई वार्ड, आई डिपार्टमेंट का तरफ से जिनकी सर्जरी वगैरह होती है उनका वार्ड है ये। तो ये देखिए मैं वार्ड को थोड़ा सा दिखा रहा हूँ आपको। ये सर्जिकल वार्ड है, ये सर्जिकल वार्ड मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये ग्राउंड फ्लोर का है, ये ग्राउंड फ्लोर का सर्जिकल वार्ड है। काफ़ी साफ सुथरा और काफ़ी बड़ा एरिया है। ये देखिए मैं तो अंदर तो गया नहीं है, बाहर से मैं दिखा रहा हूँ आप लोग को बरांडे से ही। ये ऑर्थोपेडिक्स का डिपार्टमेंट का है, ये ऑर्थोपेडिक्स का वार्ड है। इसके बाजू से मातृ शिशु विंग है जहाँ पे गायनिक डिपार्टमेंट है तथा बच्चों लोग का चिल्ड्रंस डिपार्टमेंट है। यहाँ पे 14 साल के कम उम्र के बच्चे लोग का यहाँ पे इलाज होता है तथा यहाँ पे डिलीवरी का वगैरह का भी डिपार्टमेंट इसी पे है। इसको अस्पताल के बाजू से रखा गया है, तो इसको भी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। इसमें नया बिल्डिंग है, इसमें लिफ्ट की भी व्यवस्था की गई है। किचन से एक किचन ट्रॉली आ रही थी वार्ड के लिए, मैं उनसे मैं कुछ बात करके कुछ जानकारी आप लोग को देने की कोशिश करूँगा। तो मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी को शेयर करिए तथा लाइक करके और कमेंट्स भी करिए। दोपहर और रात का खाना, सुबह और शाम की चाय, नाश्ता और पानी भी साथ में मुफ्त में यहाँ पे दिया जाता है। कितने बार देते हैं दिन में खाना वार्ड में? ये अभी हो गया और एक रात में। अच्छा, रात में कितने बजे? वही 6-7 बजे करीब निकलते हैं। अच्छा, 1.5 घंटा लग जाता है हम लोग को। और सुबह चाय नाश्ता ना? सुबह 8 बजे आता है, शाम को 4 बजे भी आता है। सुबह 8 बजे क्या देते हैं? वही जैसे मेनू होगा। क्या क्या रहता है चाय में, नाश्ता में खास करके? लड्डू रहता है, हुआ हो गया, दलिया हो गया। हाँ। और खिचड़ी हो गया और इडली और इडली उपमा। अच्छा, ऐसा करके देते हैं? हाँ, मतलब मेनू साथ और साथ में चाय। हाँ, चाय। और फल वगैरह में देते हैं क्या? फल शाम को और चाय। हाँ, चाय, बिस्किट वगैरह। बिस्किट सुबह रहता है, बिस्किट, लड्डू। अच्छा, और शाम को टोस, मुर्रा, लड्डू, केला, चना। अच्छा, और उधर के लिए वो आता है, वो क्या बोलते हैं उसको, डिलीवरी का। अच्छा, नारियल। अच्छा, सूखा वाली। अब बाकी अभी वही दाल चावल रोटी सब्जी पापड़ पानी। अच्छा, अंडा। पूरा फ्री है क्या पैसा लगता है इसमें? अरे फ्री है सर, ये तो फ्री है ना। सरकारी में कहां पैसा होता है। साथियों, मैं अस्पताल को विजिट करके मैं आप लोग को सारा जानकारी लगभग मेरे को जितना हो सके मैं दे दिया हूँ आप लोग को। तो आप अपने हिसाब से यहाँ अस्पताल में आ सकते हैं। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा तो मेरे को कमेंट्स करके बताइए और सब्सक्राइब करके लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मेरे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।